सभी को नमो बधाए जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ हैं हमारे समाज की कर्मठ ईमानदार रीढ़ की हड्डी हमारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर डी बी एस सेहरा जी, जो यानी भारत सरकार में कृषि विज्ञान भवन में साइंटिस्ट हैं। समाज में लगभग 2011 से वो समाज में सक्रिय हैं, तो हम आज उनसे बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, काला राम मंदिर सत्याग्रह 3 मार्च को क्यों किया, कैसे किया, क्या जरूरत पड़ी समाज को। तो डॉक्टर साहब नमो बुद्धाय जय भीम, तेज बोलना। नमो बुद्धाय जय भीम जी। मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, और फिर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनको नमन करता हूँ। आज मैं ये मानता हूँ, ये बताने से पहले कि 2 तारीख को क्या हुआ, ये बताने से पहले एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि मेरा अपना कोई विचार नहीं है। मेरा विचार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके विचार ही मेरे विचार हैं। मैं उनसे तिल भर भी इधर से उधर नहीं जा सकता और नहीं जाता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते पढ़ते 50-60 साल हो गए, लेकिन आज तक जो है जितनी बार भी उनको पढ़ते हैं वो अलग अलग नज़र आता है, और उनको समझना ही एक बहुत टेढ़ी खीर है। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन वो भी बाबा साहब की वजह से हुआ, नहीं मेरा कुछ भी उसमें वजूद नहीं है। मेरे बच्चे यदि सक्सेसफुल हैं तो वो भी बाबा साहब की वजह से हुआ। तो आज जो भी हमारे पास है, जो भी शिक्षा हमारे पास है, जो भी धन हमारे पास है, जो भी राजनीति हमारे पास है, जो भी संस्कार हमारे पास हैं, या जो भी सामाजिक बदलाव हम देख रहे हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हुआ। तो पहली बात तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़े लिखे इंसान थे, और आज भी कोई उनके बराबर नहीं है, आगे होगा इसकी भी संभावना नहीं है। और दूसरी बात, बाबा साहब सबसे ज़्यादा ज्ञानवान थे, इतने ज्ञानवान शायद ही कोई हुआ हो भगवान बुद्ध को छोड़ के, और जितना आज भी नहीं है और आगे होगा इसकी भी उम्मीद नहीं है। तीसरी भगवान बाबा साहब की जो खास बात थी वो थी कि वो सोच विचार मननशीलता, जिसको चिंतन कहते हैं, सबसे ज़्यादा करते थे समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, और इतना कोई नहीं करता मैं ऐसा मानता हूँ। और चौथी चीज़ ये थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी माँ से भी ज़्यादा हितेशी थे। हमने माँ ने हमें पैदा किया, सड़क पे छोड़ दिया, लेकिन हमारी शिक्षा का इंतजाम, हमारी दीक्षा का इंतजाम, जितना भी इंतजाम था, हमें ऊपर उठाने का इंतजाम, हमें राजनीति में लाने का इंतजाम, हमें अच्छी संस्कृति बताने का इंतजाम, हमारा इतिहास समझाने का इंतजाम, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। अब सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में या उनके संघर्ष के बारे में कुछ भी बताने से पहले, सत्याग्रह के बारे में कुछ भी बताने से पहले, ये बात बताना सबसे ज़रूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों इतना संघर्ष किया, और संघर्ष के पीछे उनकी क्या मंशा थी, या हम ये कहें कि बाबा साहब की लड़ाई, बाबा साहब का संघर्ष का आखिरी नतीजा या आखिरी उद्देश्य क्या था। यदि ये पहले हम ये जान लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके संघर्ष का, जीवन भर के संघर्ष का जो अल्टीमेट उद्देश्य था, आखिरी उद्देश्य था, वो था स्वाभिमान और सम्मान। हमारी सैकड़ों हजारों सालों तक 60-70 पीढ़ियां नरक में जिंदगी बिताते बिताते चली गई, और कपड़ा भी नहीं था, लंगोटी थी, डंडे पड़ते थे उनके कमर के ऊपर, हमारी माँ बहन की इज्जत लुटती थी, हमारे प्रॉपर्टी छिन गई थी, हमारी शिक्षा का अधिकार छिन गया था, हमारे हर सब कुछ छिन गया था। लेकिन जो हमारे पुरखे थे वो भी कच्चा पक्का मांस खाते खाते, मैली खाते खाते, दूसरों के फैटे टुकड़े करते करते वो इस दुनिया से चले गए, पर मरे नहीं। मरे होते तो हम नहीं पैदा होते। लेकिन सब कुछ चीज़ थी या नहीं थी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि उनके पास सम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि सबसे पहला ज़रूरी काम वो है हमारे लोगों को स्वाभिमान दिलाना। और स्वाभिमान का जो मोटे तौर पे 2 उद्देश्य संविधान में लिखे गए हैं, उसमें से एक संविधान में का उद्देश्य यह है कि मैं अपने लोग या अपने भारत के लोगों को, हर आदमी का व्यक्ति, हर व्यक्ति का गरिमा और प्रतिष्ठा को मैं बरकरार रखूंगा। यानी हम लोगों को, जो हमारे पास नहीं था, दूसरों के पास था, मनुवादियों के पास था, हमारे पास नहीं था, इसलिए 2 में से 1 जो पहला था,
कि देश की अखंडता और एकता को बरकरार करना, ये सबके पर लागू होता है, लेकिन हमारे लिए, मात्र हमारे लिए स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना बाबा साहब ने संविधान में लिखा। अब सवाल इस बात का है कि जब हमारा सम्मान नहीं था, इसका मतलब हम पांचवें नंबर के नीच थे। बाबा साहब ने कहा हम बुद्धिस्ट थे। बाबा साहब ने ये बाद में गोलमेज सभा में भी बात कही कि हम और मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। यदि ये बात मेरा समाज आज जान जाए, पूरे देश का समाज जान जाए, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की है कि हम अपने आप को हिंदू समझे बैठे। और जब हम हिंदू समझे बैठे हैं तो ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम राजपूत हैं, ना हम बनिया हैं, ना हम शूद्र हैं। हम अति शूद्रों में इन्होंने जोड़ दिए गंदे काम करने के लिए। हम बुद्धिस्ट थे, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, इसलिए सारे हम लोगों को गांव से बाहर बसाया गया, हम लोगों की शिक्षा छीनी गई, प्रॉपर्टी छीनी गई, जितना भी हमारा नुकसान किया गया, इसलिए हुआ कि हम बुद्धिस्ट थे और हम हिंदू नहीं थे। ये बात बाबा साहब ने हमें बताई। और इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। बाबा साहब ने अनटचेबल, जो अनटचेबल से किताब लिखी, इंग्लिश में किताब लिखी, तो उसमें ये बताया गया कि हम जो जनगणना हुई थी 1930 के अंदर, सॉरी 1910 के अंदर जनगणना कराई, अंग्रेजों ने जनगणना कराई, और उसमें ये बताया कि हम हिंदू नहीं है। ये कहाँ से आया? हमारे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है हम हिंदू नहीं है, इसका बेस कहाँ है? उसका बेस ये है कि उस जनगणना में 5 सवाल ऐसे थे जो हम पे एप्लीकेबल होते हैं। पहला सवाल था कि क्या ब्राह्मण हमारा पुरोहित है? तो अब पूरे देश में ये बात दोहराई गई, पूरे देश में जनगणना का रिजल्ट ये है हमारे लोगों का कि हम पुरोहित ब्राह्मण को नहीं मानते। दूसरा सवाल ये था कि क्या हम ब्राह्मण से मंत्र लेते हैं? तो उसका भी पूरा जवाब यह आया कि हम ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते। तीसरा ये था कि क्या हम ब्राह्मणों से संस्कार कराते हैं? तो लोगों ने कहा ब्राह्मणों के घर हम ना जा सकते हैं, ना ब्राह्मण हमारे घर आ सकते हैं, इसलिए संस्कार कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरी भी शादी हुई, हमारे मामा वगैरह वगैरह जो लगते थे, उन्होंने कुछ कुछ करके हमारी शादी कर दी। तो ये तो हमारे घर तो आता ही नहीं था, हमारे तो परछाई से डरता था, इसलिए वो बात भी खत्म। चौथा सवाल ये था कि क्या हम मंदिर के गर्भ में जा सकते हैं? और मंदिर का गर्भ वो होता है जब मंदिर की मेन मूर्ति लगी हो। तो हमारे लोगों ने, पूरे देश में 100% लोगों ने कहा, आप तो ये बात कहते हो ये कि हम मंदिर में गर्भ में जा सकते हैं, अरे हम तो मंदिर को छू भी नहीं सकते, मंदिर के पास भी नहीं फट सकते, क्योंकि मंदिर में, कई मंदिरों के अंदर ये बोर्ड, मेन मंदिरों के अंदर ये बोर्ड लगा था कि यहाँ कुत्तों और दलितों का आना निषेध है, इसलिए हम जा ही नहीं सकते थे। और पांचवा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो सवाल था क्या आप बीफ खाते हो? तो हमारे लोगों ने कहा अशोक के टाइम से बुद्धिस्ट लोग मरे हुए जानवर का बीफ खाते थे, इसमें चाहे गाय हो चाहे भैंस, और ये हिंदू भी खाते थे, लेकिन हिंदू ये चाहते थे कि हम इन, क्या नाम है, बुद्धिस्टों से ज्यादा ऊंचा शो हो, हमें ज्यादा ऊंचा बन जाए, इसलिए उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। नहीं तो उनका मेन खाना ही बढ़िया बढ़िया मांस था, बाद में दूसरे लोगों को मिलता था। तो बाबा साहब ने जो 5 बात कही कि इसके बेस पर बाबा साहब ने वहां कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है। और यदि बाबा साहब गलती से भी कभी भी ये बात दोहरा देते कि मैं और मेरे लोग हिंदू हैं, तो हमारे जो बहुजन समाज है उसको एक भी अधिकार ना अंग्रेज देते और ना यहाँ के हिंदू देते। तो पहला तो बात यह है। दूसरी बात, यही टेस्ट करने के लिए बाबा साहब ने एक काम किए, उनके दो संघर्ष मेन है, एक महर तालाब का संघर्ष और दूसरा है मंदिर, काला राम मंदिर का। नासिक में काला राम मंदिर, काला राम इसलिए कहा जाता है कि वहां के राम की मूर्ति काली है। तो ये दूसरा जो था, एक काला राम मंदिर का जो था, ये मात्र इसलिए कहा गया था कि तुम हजारों साल से हमें मंदिर में आने से रोक रहे हो, क्या आज भी तुम हमें हिंदू मानते हो, क्या आज भी हमें तुम छूने देते हो? तो जैसे ही बाबा साहब हजारों लोगों के साथ वहां गए, तो उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर दिए, और 1 महीने तक वो संघर्ष चलता रहा, और बहुत बड़ी संख्या में वहां महिलाएं आई, बड़ी संख्या में जवान लोग आए, और इसी बात को करते गए, हम इस मंदिर में घुस के देखेंगे, हम मंदिर में जाएंगे कि कैसे आप लोग हम मने करते हो। और बाबा साहब के साथ जब क्या हुआ कि एक फैसला, एक तरह से एक सलाह हुई कि भाई जिस दिन यहाँ रथ यात्रा निकलेगी, नवमी के दिन ब्राह्मण की जो इनकी रामनवमी होती है जी, तो उस दिन आपके जो अछूत जवान हैं वो और हमारे जो जवान हैं वो उस रथ को खींचेंगे। लेकिन एक गायकवाड़ थे, उन्होंने पहले ही आगे बाबा साहब से कह दिया कि बाबा साहब ये अपनी बात पर डटने वाले नहीं हैं। तो नतीजा क्या हुआ,
कि 2 मार्च 1930 को, किसी किताब में 28 लिखा, किसी में 30 लिखा, 30 को वो झगड़ा हुआ था और 31 जो 3 तारीख को, 3 मार्च को फिर वो रथ वगैरह वगैरह खींचा था जी। तो जरूरत खींचने लगे तो वहां के जो जवान थे ना स्वर्ण के, वो सब उसे भगा के ले गए, लेकिन फिर भी हमारे जवान इतने अड़क थे और वो छोटी सी गली में ले गए ताकि हमारे लोग ना जा सके, फिर भी हमारे जवान वहां घुस गए और जब उन्होंने देखा कि अछूत लोग आ रहे हैं तो बाबा साहब भी वहां पहुंच गए और सभी लोगों ने, सभी स्वर्णों ने बड़ी मात्रा में इनके ऊपर पथराव किया, डंडे बरसाए और इतना मतलब खून खराबा हुआ कि बाबा साहब को लोहे की बाल्टी सिर पर रख के बचाना पड़ा। और तब बाबा साहब ने कहा कि देखो हम हिंदू नहीं है, मेरा तो मेन मुख्य उद्देश्य ये था, ये जानना कि सबको बता सकूं कि ये आज भी हमें हिंदू नहीं मानते और हम हिंदू हैं भी नहीं, सच्चाई ये थी। तो इसलिए वो 2 मार्च 1930 का दिन हम लोगों को याद रखना चाहिए कि बाबा साहब की ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे लोगों के अंदर एक बहुत ही जागृति फूंकी, बहुत ही खून उबला हम लोगों का और बहुत ही हिम्मत से हम लोग इकट्ठे हुए और ये बता दिया कि हम बाबा साहब के पीछे हैं और आज हमें कोई दबा नहीं सकता, ये हमारी मांग है। बाऊजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भी हमारे लोग स्कूलों से ज़्यादा मंदिरों में अपने आप नवरात्रे जगराते पलाने ढिकाने ये कर रही हैं जबरदस्ती महिलाएं। हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस अनपढ़ औरत से ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं मानता उसे, कि जो एक अनपढ़ औरत तो अपनी बात मना लेती है लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे अपनी बात नहीं मनवा पाता और इनको कोई बुलाने भी नहीं जा रहा। और आप जैसे आज की डेट के अंदर जो आपने हजारों युवाओं को प्रेरणा दी है, पैदा करे हैं, मंचों पर गए हैं, समाज में जो काम आपका, जो टाइम आपका घर पर लेटने का होना चाहिए बच्चों के साथ भी जो पोती पोतों के साथ में, और उसमें आप गाँव गाँव जा रहे हैं, आपके ऊपर एक ईमानदारी का ऐसा सिक्का है कि मैं बहुत सारे आपसे भी प्रेरणा लिया है, लेकिन मैं 2008 से पहले काम कर रहा हूँ रमेश गौतम जी के साथ में, उनसे अलग भी हुए हैं बिल्कुल, लेकिन एक सुई के बराबर भी कोई व्यक्ति आप पे दाग नहीं लगा सकता। और ये भी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरे इस टाइम मिशन के अंदर जितने भी लोग आज देश में काम कर रहे हैं उनमें 3 व्यक्ति मैंने अपने छांटे हैं, एक सर्वप्रथम आप, एक श्रद्धे राखी जी, एक अर्चना गौतम जी, एक बालकराम बोध जी। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन पे 1 रुपए का भी कोई आदमी इल्जाम अगर लगाता तो वो सूरज को कालश दिखा रहा है। तो आपने जो ये अपना टाइम दिया है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और युवाओं को क्या संदेश होगा आपका शॉर्टकट में? पहली बात तो ये है कि जो बाबा हमारा जो समाज भटका हुआ है जी, बाबा साहब ने एक बात कही वो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो बात यह है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो नया इतिहास बना नहीं सकते, रच नहीं सकते और उनकी दिशा वो दिशा विहीन होंगी। दूसरा बाबा साहब ने एक बात कही कि मैं अपने उस पढ़े लिखे इंसान को पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो। अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ, दुश्मन हमारा कौन है? दुश्मन हमारा मनुवाद, कोई एक ब्राह्मण नहीं, एक बढ़िया राजपूत नहीं, बल्कि जो भी मनुवादी है, जो भी वर्ण व्यवस्था में जातिवाद में विश्वास करता है वो ही हमारा दुश्मन है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो इसलिए, और अब टाइम हो जाएगा पूरा, धन्यवाद, इतना टाइम आपने सम्मान एक अधिकार को दिया, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपका मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद, नमो बुद्धाय। मेरा जवान लोगों को एक कहना है जी, कि जो पहले बाबा साहब को आप पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, फिर बाबा साहब को मानिए और जब आप काबिल हो जाएं, फारिग हो जाएं अपने काम से, फिर बाबा साहब के मिशन को जगह जगह फैलाइए। ये हमारा बहुत ही जरूरी है क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, बहुत तकलीफ सह के लाया हूँ, मेरे बच्चों यदि आप इस कारवां को आगे